मेरी पार्टनर आ गई है। आज क्या ड्रेस पहने हैं हम लोगों ने? सेम सेम कलर पहना है। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आज है संडे 19 जुलाई 2020 और अभी है मॉर्निंग की टाइम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी मॉर्निंग रूटीन। तो वेदर बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा धूप भी निकल के आए हैं और आप लोगों ने देखा मैंने अपने लिए, क्योंकि बाकी घर की जो मेम्बर्स है वो सो रहे हैं अभी सभी, और मैंने अपने लिए मिंट और लेमन से टी बना लिया है। तो पहले मैं टी एंजॉय कर लेती हूँ। और कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ये है मेरी मिंट वाली टी, बहुत ही हेल्दी होते हैं खाने के लिए। सुबह सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग मिल्क टी लेने से तो बहुत हेल्दी है। मैं एंजॉय कर लेती हूँ मेरी ये टी, आप लोग बनते रहिए। हेलो हेलो एवरीवन, टी लिया है मैंने अभी। टाइम है, आजकल क्या है हम लोगों के, पहले मिल्क घर के वो बाहर ही रख के जाते थे, अभी कंप्लीट लॉकडाउन है और खुद की सेफ्टी लिए जो मिल्क मैन है वो सोसाइटी ही ने ही वो नियम कर दिया है कि नीचे सिक्योरिटी से लेके आना है मिल्क। अभी वो ड्यूटी बढ़ गए है, सुबह उठ के ही मिल्क लेने जाना है। तो चलिए पहले मिल्क लेके आती हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। वेलकम अगेन, और मैंने दूध लेके आए हैं और उबाल भी लिया है, देखिए आप लोग। और अभी मैं आप लोगों को बोला था कि आज मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ और बनाऊंगी सोले भटूरे की रेसिपी, जिसको बनाऊंगी पनीर के साथ। और इसीलिए मैंने ये देखिए रात भर पूरा अच्छी तरह से सोक कर दिया है छोले को, बहुत अच्छा लगता है। और उस दिन भी मैंने एक पिंडी छोला, जो अमृतसर की पिंडी छोला, उसकी रेसिपी शेयर किया था। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है उसकी रेसिपी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लेना। आज इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी पनीर के साथ, और साथ में ही आटा भी गूंदना है और भटूरे के साथ। तो आज ये होगा हम लोगों की थोड़ा थोड़ा वीकेंड में ऐसा खाना खाना अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमेशा हेल्दी हेल्दी करते रहते हैं हम लोग, बट तब लाइफ का असली मजा आते ही नहीं। अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो लाइफ में मजा नहीं आते। तो इसलिए वीकेंड में मैं हमेशा थोड़ा अनहेल्दी खा लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो ये है मेरी छोला, इसको अभी बॉईल करना है और उसके बाद मैं बनाऊंगी भटूरे। पहले मैं आटा लगाती हूँ क्योंकि उसको आधे घंटे तक रखना है थक कर, तब फूलते हैं भटूरे बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए आप लोग कैसे मैं लगाती हूँ भटूरे की आटा।
ये देखिए मेरे छोले को मैंने कुकर पे ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और उसके साथ दो टमाटर एक पोटैटो, क्योंकि मेरी बेटी को अच्छा लगता है पोटैटो खाना इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा नमक थोड़ा ऑयल डाला है 1 स्पून और इसको ऐसे बॉईल करूंगी 4 या 5 सीटी तक। उसके बाद इसके छोका लगाऊंगी और अभी मैं लगाती हूँ मेरी जो आटा है उसको लगाती हूँ और दिखाती हूँ कैसे भटूरे की आटा बनते हैं। अभी भटूरे की आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ आटा लिया है व्हीट और साथ में ही लिया है सूजी और यहाँ मैदा भी डाल रही हूँ थोड़ा। मैदा 1 पोर्शन डाला है और आटा और सूजी को 3 पोर्शन डाला है। साथ में ही अजवाइन नमक और थोड़ा दही मिला के इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी और गूंद के मैं इसको 1/2 आवर तक ऐसे ही छोड़ दूँगी और थोड़ा लास्ट में मैं इसमें ऑयल भी ऐड करने वाली हूँ और 1/2 आवर के बाद ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं। देखिए मेरी आटा दो बन गई है बहुत ही अच्छी तरह से और इसको 1/2 आवर तक ऐसे ही रख दूंगी। बहुत अच्छा बनते हैं भटूरे। तब ये छोले जो थी वो उबल गए हैं अच्छी तरह से और ये इसके लिए मैंने मसाला मिक्स तैयार करने वाली हूँ। इसमें है अदरक लहसुन जिंजर ये कश्मीरी रेड चिली, इसकी तीखापन नहीं होते बट कलर बहुत अच्छा होते हैं। साथ में ही लौंग इलायची दालचीनी जीरा सभी को एक साथ करके मैं मिक्स करके बहुत अच्छे पेस्ट बना लूंगी और उसको ही मसाला मिक्स जैसे तैयार करके बनाऊंगी मैं। आप लोग देखते रहिए। ये देखिए तैयार हो गई है मसाला मिक्स। मैं छोले बनाने के लिए तैयार हो गई हूँ। फर्स्ट डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल जो बहुत ही एसेंशियल है इसके लिए, बहुत टेस्टी होता है। साथ में ही डाल दिया है जो मसाला मिक्स मैंने बनाया था, इसमें मैंने गलती से ऑनियन बोलना भूल ही गई थी, ऑनियन भी डाला था, आप लोगों ने देख के समझ ही गए हो। और बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी इसको, जितना अच्छी तरह से भूनोगे उतने ही टेस्टी बनते हैं करी। और देखिए मेरी ये भून गई है। अब मैं बॉयल किया जो टोमेटो थी उसके पीसेस डाल रही हूँ। पहले अगर आप लोग टोमेटो ऐसे ही डालते हो और पका लेते हो तो बहुत अच्छा टेस्ट रहते हैं। आप लोग प्यूरे करने से ऐसे बॉईल करके भी टोमेटो डाल सकते हो, ऐसे सभी कड़ी में बहुत अच्छा होते हैं और एक अच्छा टिप्स भी है ये। और ये जब ये अच्छी तरह से बन जाएंगे तब मैं इसमें जो मसाला है खड़ा मसाला तो मैंने डाल ही दिया था पहले, जो भी पाउडर्ड मसाला जैसे हल्दी नमक भी मैंने पहले डाला था बट थोड़ा कम लग रहा था इसीलिए फिर से थोड़ा डाल रही हूँ मैं, और थोड़ा धनिया पाउडर सभी को एक साथ मिक्स करके फिर से अच्छी तरह से इसको भूनूंगी। जो टमेटो थी देखिए वो भी तेल छोड़ दिया है अपने। अब मैं इसमें मेरी जो छोला थी वो डाल रही हूँ देखिए। और इसको डालने के एक टिप्स हैं मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ आप लोगों को। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है देखिए आप लोग। अगर आप लोग छोले डालते हो तो 1/2 पोर्शन को ऐसे मैश कर देना चाहिए, तब इसकी जो स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही क्रीमी बन जाते हैं करी। क्योंकि 1/2 पोर्शन को मैं हमेशा ऐसे ही वो मैश कर देती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला क्योंकि कारी लगभग तैयार हो गई है। और साथ में ही डाल दूंगी मैं इसमें पनीर के पीसेस, क्योंकि मैं पहले ही आप लोगों को बोला था कि मैं इसमें पनीर भी डालने वाली हूँ और मेरी जो कारी है वो 5 मिनट तक ऐसे ही बनेंगे। देखिए मेरी पार्टनर आ गई है। लुक, मेरी पार्टनर आ गई है। आज क्या ड्रेस पहने हैं हम लोगों ने? सेम कलर पहना है आज शिवेना और मम्मी ने, सेम कलर पहना है ना। और शिवेना थोड़ी देर तक सोते हैं वीकेंड में, क्यों? और शिवेना की क्लास नहीं होते हैं ना वीकेंड में? नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा क्लास करते हैं ऑनलाइन मंडे से फ्राइडे तक ऐसे ही, और इसीलिए वीकेंड में इसकी भी छुट्टी, देदी की भी छुट्टी, तो शिवेना सोते हैं और मुझे बोलते हैं कि मम्मी आज क्लास नहीं है ना,
मैं सो सकती हूँ ना देर तक? हाँ, मैंने बोला हाँ। अभी शिविर ना उठ गई है, अभी क्या बनाओगे मम्मी के साथ किचन में? अभी मैं लूसी बनाती। लूसी बनाते हैं। हम लोग असमीस में पूरी को लूसी बनाते, लूसी बोलते हैं। मैं तो बटूरा बनाऊंगी आज चोले के साथ, बट उसको समझ में आ गए है आज लूसी बनाना है ना? तो मेरी छोला जो थी वो तैयार हो गई है, अभी बटोरे की हाफ एन आवर हो गई है उसको गूंदने का। तो अभी बनाती हूँ गर्मा गर्म बटोरा और सभी को परोसती हूँ। तो और आप लोग के साथ कुछ बात भी करना है आज, शेयर करूंगी थोड़ी देर बाद। तो पहले बना लेती हूँ और खा लेती हूँ। मेरी जो छोले थी उसके कलर देखिए कितना अच्छा हो गए हैं, और थोड़ा मैश करने से वो बहुत क्रीमी बनते हैं, स्ट्रक्चर भी उसका अच्छा लगता है। तो अभी बटोरा बना के लेती हूँ। भटोरा के लिए जो मैंने बोल लिया था वो थोड़ा बड़ा लिया है पूरी से, क्योंकि भटोरा थोड़ा बड़ा ही अच्छा लगते हैं। और इसको अभी मैं बड़े ही और थोड़ा मोटा टाइप के ही बनाऊंगी, बेल लूंगी। तो आप लोग देख लीजिए मैं कैसे करती हूँ इसको। देखिए मेरी बटोरा बहुत ही अच्छी तरह से फूल गई है, क्योंकि मैंने इसको दही से वो गूंदा था और साथ में ही इसको हाफ एन आवर तक ऐसे ढक के रख दिया था। तो इसलिए क्यों, और यहाँ मैंने कोई भी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया, बट बहुत अच्छी तरह से मार्केट जैसा ही फूल गए हैं। और मेरी कढ़ाई थोड़ा छोटा है, अगर बड़ा कढ़ाई में आप लोग बनाते हो तो और भी फूलते हैं बहुत अच्छी तरह से, तब भी पूरा बटोरा मेरा फूल गए हैं। ये है आज हम लोगों की संडे ब्रेकफास्ट मेनू। ये है गर्मा गर्म छोले के साथ भटूरे, और ये है मट्टी चोर के लड्डू वो कल लाए थे, और पनीर के साथ मैंने बनाया है। और फर्स्ट हस्बैंड को देख के आती हूँ, सुबह उठ के ही उसका वो फेस पे जो स्माइल दिखा है ना मैंने जब मैं ये प्रिपेयर कर रही थी तब भी पता चल गया था, क्योंकि हस्बैंड खाने से ही खुश होता है हमेशा। तो पहले मैं देख के आती हूँ, उसके बाद शिवेंद्र को भी खिलाना है और आप लोग के साथ कुछ बात भी करना है कुछ। तो आप लोग बनते रहिए, मैं शिवेंद्र को भी खिलाती हूँ, हस्बैंड को भी देती रहती हूँ, और देखिए आप लोग भी खाइए। बर्तन धुल गए हैं, अब मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम पे थोड़ा चाय भी चाहिए।
शिवन्ना उसके डैडी के साथ गए हैं अभी खेलने नीचे। बाय। वो देखिए हम लोगों की शिवन्ना। यहाँ बहुत ठंड है ना अभी, तो अभी धूप थोड़ा, जब धूप निकलते हैं तो हम लोग भेज देते हैं शिवन्या को थोड़ा खेलने। और ऐसे तो देखिए लॉकडाउन है, कोई नहीं है कंपाउंड में, बट शिवन्या वो भी प्रोटेक्टेड होके ही मास्क वगैरह पहन के ही वो जा रहे हैं। थोड़ा एक्टिव ही रहना चाहिए ना हमेशा घर में, कितना रहे बच्चा। ये देखिए शिवन्या। शिवन्या अभी ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट वगैरह के काम हो गई है और बहुत हैवी हो गई है ब्रेकफास्ट, तो लंच की क्या सोचते हो पता नहीं आज, तो थोड़ा बातें करते हैं आप लोगों के साथ एक मिनट। काम वाम खत्म हो गई है, अभी आप लोगों से कुछ बात भी करना है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर व्यूअर्स के साथ थोड़ा डायरेक्ट फेस टू फेस होके, ऐसे तो वॉइस ओवर करती ही हूँ क्योंकि हमेशा मैं तो ब्लॉग वगैरह ज्यादा नहीं डालती, बट जब भी डालती हूँ वॉइस ओवर करती हूँ ज्यादातर, क्योंकि आप लोग जानते हो वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, हस्बैंड को उनकी मीटिंग वगैरह कॉन्फ्रेंस वगैरह वो चलते रहते हैं, तो अगर मैं चिल्ला चिल्ला के ऐसे बात करती रहती हूँ तो उनको थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो इसीलिए मैं भी समझती हूँ ऐसा होता है जब तक लॉकडाउन है तो ऐसा ही चलेगा ही, घर से ही वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो वही थोड़ा इसीलिए वो लोग नीचे गए हैं, आज तो संडे है ऐसे भी बंद है, तो इसीलिए फेस टू फेस थोड़ा आप लोगों से बात करने का भी मन होता है, क्योंकि जो व्यूअर्स है उन लोगों से जब आप फेस टू फेस बात करते हो तो कनेक्शन ज्यादा बढ़ते हैं ऐसे तो वॉइस ओवर करने से, तो वही। और बेंगलोर में पूरा लॉकडाउन है अभी, 14 से दिया है, पहले तो हम लोग को ऑनलाइन नॉनवेज वगैरह मिल जाते थे सैटरडे संडे को, ऐसे भी हम लोग थोड़ा नॉनवेज के शौकीन है, खाते हैं हम लोग थोड़ा, बट अभी नहीं मिल रहे, अभी वेजिटेरियन खाना ही खाना पड़ रहा है। शिवन्या भी हमेशा पूछते कि मम्मी चिकन क्यों नहीं है, चिकन क्यों नहीं है, हम लोग तो फ्रेश टू होम से ऑर्डर लेते थे, बट अभी बेंगलोर में भी आउट ऑफ स्टॉक है। उस दिन मुझे कॉमेंट भी किया था किसी ने, जब मैंने वो फीस का वीडियो दिया था तब बोला था कि हैदराबाद में तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहे हैं, बेंगलोर में क्या हाल है, तो मैंने बोला कि बेंगलोर में भी सेम हाल है, और अभी आसपास में बहुत फैल गए हैं वो वायरस पूरा एकदम, अभी तो पूरा बाहर जाना ही, अभी मैंने दिखाया ना शिवन्या को, वो भी हम लोग पूरा प्रोटेक्टेड होके जाते हैं, नीचे जाते ही नहीं है कभी कभार, और मिल्क भी देते घर में नहीं देते, तो यही। तो अभी आती है मुद्दा पे जिस बारे में मैं बात करने वाली थी। लास्ट संडे को मैंने एक ब्लॉग डाला था जो असम में ट्रेडिशनल खाना एक डाला था, एलकाली यानी खार बोलते हैं हम लोग, उसी के बारे में मैं वीडियो डाला था, तो अगर आपके वीडियो में कोई बड़े यूट्यूबर आके आपको आपके काम को अप्रिसिएट करते हैं, आप जो काम कर रहे थे, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे यूट्यूबर है ना और छोटे छोटे क्रिएटर है, तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे लिए भी एक खुशी की बात है कि असम की ही एक बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े चैनल हैं, उनके मैम सेफ मोनमिस किचन है उनके चैनल का नाम, तो उन्होंने मेरी वीडियो देखा, वो जो मैंने असमिस फूड की रेसिपी डाला था, ऐसे तो मैं वीडियो हिंदी में ही करती हूँ, तो उसने थोड़ा उसमें हम मुझसे गलती हो गई थी उस वीडियो में, जब मैंने वो पपाया के साथ जो वो एल्कली की रेसिपी डाला था उसमें हल्दी नहीं डालते, तो कुछ वो कुछ हो जाते हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कुछ होता है तो नहीं डालते ऐसे, तब मैं उसने मुझे बोला था कि ये थोड़ा गलत हो गई है, तो अगले बार वो हल्दी नहीं डालना है उस पे एलकाली के साथ, तब मैंने मेरी मम्मी को भी पूछा तो मम्मी ने भी बोला हाँ एलकाली के साथ खार के साथ हम लोग वो हल्दी नहीं डालते, मुझसे गलती हो गई थी, तो इसलिए माफी मांगना चाहते हो आप लोगों का, आप लोग अगर बनाते हो तो हल्दी मत डालिए, कुछ रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, और उन्होंने मुझे अप्रिसिएट किया मेरे काम को कि अच्छा लगा मेरे चैनल को देखकर, और मैं हिंदी में असमीज फूड शेयर कर रही हूँ, असम की जो ट्रेडिशनल खाना वगैरह वो दिखा रही हूँ हिंदी में, इंडिया की बाकी पार्ट्स के लोगों के साथ भी मैं वो शेयर कर रही हूँ, तो उसने मुझे अप्रिसिएट किया कि मैंने हिंदी में ब्लॉग बना के ही सभी के साथ ये असम की ट्रेडिशन फूड वो वगैरह शेयर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत खुश हुआ, और थैंक यू सो मच मैम
कि आपने मेरे काम को अप्रिशिएट किया और मेरी गलती भी आपने दिखा दिया, तो इसीलिए भी थैंक यू। कि कभी कभी हम लोगों से गलती हो जाते है, क्योंकि शादी के पहले हम लोग भी इतना वो माहिर नहीं थे, कुछ भी नहीं बनाने आते थे। शादी के बाद ही धीरे धीरे सीख रही हूँ, जो भी सीखा है। हस्बैंड का भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे कुकिंग में, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बट आजकल नहीं बनाते पर मैंने सीख गया उससे ही खाना वगैरह, क्योंकि घर में जब वो थी तब खाना इतना नहीं बनाना आता था, जब बस चाय पे ही वो लिमिटेड थे, चाय पकौड़ा इसमें खाना नहीं बनाया कभी। और शादी के बाद तो मुझे दाल भी वो नहीं आए थे, कौन सा दाल क्या है, मुझे पीले वाला रेड वाला ऐसे करके हस्बैंड को मैंने पहले पूछा था, वो ये आज क्या पीले वाला दाल बनाओ, आज रेड वाला दाल बनाओ, ऐसा हुआ था मेरे साथ भी। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके चैनल का नाम है सेफ मोनमिस किचन, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं आसामिस में। और उसके रिसेंटली किचन टूर भी दिखाया, बहुत सुंदर तरीके से सजाया है किचन को भी, उसकी रेसिपी भी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उसकी बेटी का भी एक चैनल है, वो नेचुरल प्रोडक्ट के ऊपर मेकअप ऐसे जो हम लोगों की वो नेचुरल ग्रो के ऊपर नेचुरल हेयर पैक फेस, तो वही थैंक यू सो मच मुझे अप्रिशिएट करने के लिए यही बात बोलना था। क्योंकि कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं ना हम लोग कि व्यूज नहीं आते, इतना वो हम लोग करते हैं व्यूज नहीं, तब भी कभी कभी लगता है कि क्या कर रही हूँ, छोड़ दूँ क्या यूट्यूब इतना वो कर रहे हैं कि बट कोई वो नहीं अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बट ऐसे अगर अप्रिशिएशन आपको ऐसे ही मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाती हूँ। तो बस आज की ब्लॉग यही तक थी, मॉर्निंग रूटीन संडे की लॉकडाउन की। और छोले भटूरे की रेसिपी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, बहुत टेस्टी हुआ था, हस्बैंड ने भी बोला है वो खाने की बहुत शौकीन है, उनको तो खाना पूरा चाहिए ही, उसके साथ खा खा के ही लॉकडाउन में मेरी हालत भी ऐसा हो गई है वेट का तो उसने ही बोला थोड़ी देर रुक जाओ अभी खा लो, लॉकडाउन के टाइम पे मिला है बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका। तो बस यही थी आज की ब्लॉग, शिवेन्द्र नीचे गए हैं और लैंडस्केप प्रिपरेशन आज कुछ थोड़ा हल्का फुल्का ही होगा क्योंकि सभी का पेट टुकड़ा फुल है आज। तो बस यही मेरी लॉकडाउन की कहानी है। और कुछ आप लोग अगर कुछ देखना चाहते हो मेरे चैनल में और कोई, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और आगे भी मेरी ऐसे ब्लॉग्स, रेसिपीज, टिप्स, हेल्थ टिप्स और बेबी केयर के ऊपर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।